हम समझते हैं कि हम अपने सकाफती पहचान और समाजी जो हमारी जो ज़रूरतें हैं आज की, उनको सामने रख के अगर हम बात करें तो इक्तसादियात लाइफ ब्लड की तरह हमारे यहाँ पे महसूस हो रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि हुंजा को आगे बढ़ने के लिए मार्केट से अपना हिस्सा उठाना होगा और इसको इकोनॉमिकली रिसोर्सफुल बनाने के लिए हमारे पास जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं, मादनियात है, टूरिज्म है, बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं जो इस इकोनॉमी को आगे लेकर जा सकती हैं, उन पर एक नज़र रखने की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए से और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, कंपनीज के ज़रिए से, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के ज़रिए से हम किस तरह से आने वाले मौके को गेन करें और उससे हम अपना हिस्सा उठाएं। फ़िलहाल हमें मार्केट में ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग इस बारे में सोच रहे हैं और उनकी सोच का मजहर वो कंपनीज हैं, वो थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ हैं, जो बचत के हवाले से LSOs हैं जो इस पर काम कर रही हैं, लेकिन उनका जो पेस है या तो चंद लोगों तक महदूद है या फिर उनका पेस बहुत कम है, बहुत स्लो है। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? KKH एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। बॉर्डर बिजनेस जो है हमारा, ट्रेड जो है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। इसी तरह से एक जैसे कंपनीज अगर मिलकर काम कर रही हैं तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पर। हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर आ नहीं पा रहे हैं, या तो ज़ातियात हैं या इलाकाइत है या फिर कबाइलियत है, यानी बहुत सी डिटरिंग एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे एट प्ले हैं। उसकी वजह से हम कहीं पे किसी एक सोच के तहत पूरा हुंजा बैठ नहीं पा रहा। कहीं ज़ुबान के मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो कहीं कबाइली निज़ाम सामने आ रहा है, कहीं उस गांव और इस गांव का फ़र्क जो है, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारी तरक्की की राह में। अब देखें, इकोनॉमिक कॉरिडोर का बड़ा नारा लगाया गया और फिर कहा गया कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है जहां से गुजरेगा वहां के लोगों के हालात मैयार ज़िंदगी बुलंद होगी और ब्लेसिंग होंगे। अब तक तो कुछ नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो नेशनल लेवल पे जो पॉलिसियाँ बनती हैं या पॉलिटिकल स्विचेस होती हैं, वो ऐसे बड़े प्रोग्राम्स को जो है ना वो एकदम नाकाम करती हैं या उनका पेस स्लो हो जाता है, फिर उसका असर डाउन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गांव के लेवल पे आ जाता है। तो बॉर्डर का हमारा बिजनेस था, कोविड की वजह से बंद हो गया और अब तक नहीं खुला। तो ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से हुंजा जो है वो इकोनॉमिकली सफोकेट कर रहा है। इकोनॉमिकली एक बहुत बड़े एक ऐसे पैराडाइम में फंसा हुआ जहाँ से निकलने की सूरत में तब हमें आगे तरक्की नज़र आ रही है। माहिरीन इक्तसादियात है, माहिरीन समाजियात है, ये इनको बैठना होगा ताकि हुंजा के बारे में एक बड़े सीरियस लेवल पे इसको प्लान करने की ज़रूरत है, चाहे काउंसिलात हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, लेकिन इस वक्त तक हमें बहुत से मसाइल, नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल मसाइल के हम शिकार होते हुए नज़र आते हैं।